हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, पता है आपको आज मैं कौन सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ? अरे मैं भी ना, आपको तो थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि मैं आज आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, वो है हमारा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट चिकन कोफ्ते की करी, जो खाने में बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार होगी। आप इसको नॉर्मल राइस के साथ या फिर नॉर्मल चपाती के साथ ले सकते हैं, बट इसका स्वाद तो लाजवाब होगा। बस एक बार आप इसको बना लेंगे ना और इसका स्वाद देख लेंगे ना, तो घर में जब कभी भी चिकन दिखाई देगा, आपको बस यही करी बनाने का दिल करेगा। मतलब यही करी बनाना चाहेंगे आप हमेशा, इतना लाजवाब होगा इसका मज़ा। तो इस मज़ेदार रेसिपी को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाला बेल बटन को भी दबा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून जितना बेसन को ले लिया है और उसको एक कढ़ाई में डालकर उसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसका कलर जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए उस समय तक आप इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। आप अगर चाहे तो चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं, चना दाल को भी आप रोस्ट करके इस मिक्सचर जार में ग्राइंड कर सकते हैं। उसको रोस्ट करके साइड में रखने के बाद एक मिक्सचर जार में देखिए 1 टेबलस्पून जितना नारियल का बुरादे को मैंने ले लिया है। उसके बाद 6 से 7 काजू को भी मैंने इसमें डाल लिया है। इसके बाद देखिए, जो बेसन हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था उस बेसन को भी मैंने इसमें डाल लिया है। डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए एक फाइन पाउडर की तरह। देखिए यहाँ पर मैं आपको पाउडर भी दिखा रही हूँ ना, उस तरह से एक फाइन पाउडर बना के साइड में रख लीजिए उसको। और यहाँ पर देखिए, मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन को लिया है और उसको मैंने अच्छे पानी के साथ वॉश करके मीडियम साइज़ के पीसेस की तरह कट कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना हल्दी। इन दोनों को डालने के बाद ना, अपने स्वाद अनुसार या फिर 1 टीस्पून जितना नमक इसमें शामिल कर दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़े से हरे धनिए को भी इसमें डाल लीजिए। हरे धनिए को डालने के बाद इसमें से थोड़े पुदीने के पत्तों को भी डाल लीजिए। इसमें मैंने हरा धनिया पुदीना दोनों को यूज़ किया है। इन दोनों को डालने के बाद थोड़े से फाइनली चॉप किए हुए हरी मिर्च को मैंने डाल लिया है। और इसके बाद देखिए, 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर मैं ले रही हूँ यहाँ पर, तो 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर मैंने डाल लिया है। इसके बाद 1 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो इन सारे चीज़ों को डालने के बाद फाइनली बारी आती है गरम मसाले की। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना गरम मसाले को डाल लिया है। तो इन सारे चीज़ों को डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि हमारे स्पाइसेस सारे इस चिकन पीसेस के साथ कोट हो जाए। तो इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए, यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को लेकर अच्छे से चॉप कर लिया था, बहुत बहुत ही स्मॉल पीसेस की तरह। तो इसको फाइनली चॉप किए हुए ऑनियन को इसमें डाल लीजिए इस चिकन में। तो इसको डालने के बाद ना, अब हमें इस चिकन को ग्राइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार को ले लिया है। और उस मिक्सी जार में मैं इस सारे चिकन को जो मिक्सचर बना के रखा है हमने चिकन का, उस मिक्सचर को मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इससे ना हमें बहुत ही बढ़िया स्मूथ पेस्ट की तरह इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। इसको ग्राइंड होने में 4 से 5 मिनट या फिर 5 से 7 मिनट भी लग जाएंगे, बट इसमें कोई भी चंक्स ना हो उस तरह से इसको ग्राइंड कर लीजिए। और इसमें देखिए, जो फर्स्टली हमने पाउडर बनाया था ना, जो बेसन नारियल और काजू को डाल के, तो उस वाले पाउडर को इसमें डाल लीजिए अब आप। तो उस वाले पाउडर को भी इसमें डालने के बाद देखिए, इसको हमें अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि ये हमारा जो पाउडर है और ये चिकन है वो अच्छे से मिल जाए। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए, अपने हाथों को ना थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिए और इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल डालकर इसको फाइनली अच्छे से एक ऑयल की लेयर इस पर बना दीजिए ताकि आपके हाथों से चिपके ना। तो इस तरह से ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद देखिए, साइड में थोड़ा ऑयल ले लीजिए और अपने हाथों को इस ऑयल के साथ ग्रीस करते हुए इससे छोटे छोटे बाउल्स की तरह लेना होगा। देख सकते हैं आप, छोटे छोटे एक लेमन साइज़, एक नींबू के साइज़ की तरह बॉल्स ले लीजिए और इससे देखिए छोटे छोटे इस तरह के बॉल्स हमें बनाना होगा। उसी तरह से जो मिक्सचर हमने सारा बना के रखा है, उस सारे मिश्रण से हमें इसी तरह के कोफ्तों को तैयार करना पड़ेगा। ये हमें कोफ्ते तैयार कर रहे हैं, कोफ्ते के बॉल्स जो होते हैं उसको तैयार कर रहे हैं। देखिए इस तरह से सारे मिक्सचर में से
इसी तरह से कोफ्ते बना के साइड प्लेट में रख लीजिए। तो हमने जो मिश्रण बनाया था उन सारे मिश्रण से मैंने यहाँ पर सारे कोफ्ते जो है वो उसको तैयार कर लिए हैं, और इसको कुक करने के लिए अब हमें जाना होगा। और उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टमाटर को मैंने रफली चॉप किया है, और 2 प्याज को भी मैंने रफली चॉप किया है। अब हमें इसकी प्यूरी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने उसी जार को ले लिया है, और उसी जार में मैंने टमाटर को डाल लिया है और उसकी अच्छे से फाइन प्यूरी बना लिया है। और यहाँ पर ऑनियन को भी मैंने ग्राइंड करके उसकी प्यूरी भी बना लिया है। इन दोनों की प्यूरीज हम इस करी में यूज़ करने वाले हैं। तो इसी तरह से टमाटर और ऑनियन को अलग अलग ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना के साइड में रख लीजिए। और यहाँ पर मैंने एक पैन को रख लिया है, इसमें 3/4 पार्ट ऑयल एंड 1/4 पार्ट मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। आप चाहे तो फुल्ली ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपके पास बटर हो ना तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। उसमें मैंने बस एक छोटी वाली प्याज को फाइनली चॉप किया था और उस वाले प्याज को डाल लिया है। और उसके बाद देखिए 1 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डालकर उसकी रॉ स्मेल जाने तक मैंने इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट रोस्ट कर लिया था। उसके बाद जो हमने ऑनियन की प्यूरी बनाई थी ना, उस वाले ऑनियन की प्यूरी को मैंने इसमें डाल लिया है। अब इस ऑनियन की प्यूरी का कलर देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से चेंज हो चुका है। इस कलर आने तक हमें इसको फ्राई करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा नारियल के बूरे को लिया है, कोकोनट पाउडर को। तो नारियल के पाउडर को डालने के बाद देखिए, फिर से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए, जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी, उस वाले टमाटर की प्यूरी को अब इस समय इसमें ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से ऐड करने के बाद ना, इसमें हमें थोड़ा सा दही लेना होगा। यहाँ पर देखिए, मैं 2 बड़े चम्मच दही को इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से दही को डालने से इसका स्वाद, करी का स्वाद जो है बहुत निखर कर आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसमें डालने के बाद दही को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद देखिए, मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल लिया है, 1 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर डाल लिया है। और फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। तो इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब थोड़ा सा बस स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिए। हमने ऑलरेडी चिकन कोफ्तों को बनाया था ना, उस समय भी हमने इन सारे चीज़ों को ऐड किया था, और यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए ना, तो इसलिए। और यहाँ पर 1 टीस्पून जितना टर्मरिक, हल्दी को भी मैंने डाल लिया है अभी। तो इन सारे चीज़ों को डालने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर साल्ट आपको थोड़ा कम लगे तो फिर बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, तो पहले थोड़ा देख के ऐड कर लीजिए। तो इन सारे चीज़ों को डालने के बाद ना, इस टमाटर के साथ इन स्पाइसेस को अच्छे से पकने दीजिए। हमारे टमाटर, हमारे इस मसाले से ना तेल अलग होना चाहिए, आप देख सकते हैं है ना, तेल हमारा अलग आ रहा है। और टमाटर भी हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। और इस समय क्या कीजिए आप, बस थोड़ा सा पानी को डाल लीजिए ताकि हमारे कोफ्ते जो है वो इस मसाले में, और इससे हमारा ग्रेवी अच्छे से बन जाए। यहाँ पर मैंने 1 ग्लास पानी को डाल लिया था और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर जब हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर जो कोफ्ते के बॉल्स हमने बनाए थे, उस कोफ्ते के बॉल्स को मैंने यहाँ पर डाल लिए। डालकर इसको लिड से कवर करके 5 मिनट मैंने कुक कर लिया था, और 5 मिनट के बाद लिड ओपन करके मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया है। मैंने बस इस हरे धनिया को इस ग्रेवी के साथ पकाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने इसमें हरा धनिया थोड़ा डाल लिया है। गार्निशिंग के लिए अलग से यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए, इसको हिलाएगा मत चम्मच से, वरना ये फट सकते हैं। तो इसके बाद फाइनली, अब जबकि आपकी ग्रेवी जो थिकन हो रही है, उस समय आप इसमें 1 टीस्पून जितना गर्म मसाले को ऐड कर लीजिए। और इस गर्म मसाले को ऐड करने के बाद फिर से उसी तरह से पैन को थोड़ा सा हिला दीजिए, ताकि गरम मसाला भी आपके ग्रेवी में अच्छे से मिल जाए। तो इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद फिर से लेट कवर कर दीजिए, ताकि हमारा ग्रेवी अच्छे से थिकन हो जाए। इसके बाद देखिए, आपकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप पर डिपेंड होता है, मतलब आप इसको कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं, उस मतलब कितना ग्रेवी आप पसंद करेंगे उतना ग्रेवी आप इसमें रख लीजिए। आप चाहे तो ज़्यादा भी थिक बना सकते हैं, और चाहे तो आप थोड़ा सा ग्रेवी भी इसमें रख सकते हैं। हमारी ग्रेवी तो बहुत गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ही थिकन हो चुकी है। और इसमें फाइनली मैंने थोड़ा सा हरे धनिया को भी चॉप करके डाल लिया था। तो इसके बाद स्टोव की फ्लेम को मैंने ऑफ करके एक सर्विंग बाउल में इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा चिकन कोफ्ता करी जो है वो बना है ना। मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में किया था, ताकि वीडियो बहुत लंबा, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आपको बहुत जल्द जल्द एक्सप्लेन किया मैंने। अगर आपको डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा बैक कर कर देख सकते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए कितना गाढ़ा कंसिस्टेंसी में हमारी ग्रेवी बनी है, और बहुत ही थिकन
कितनी प्यारी ग्रेवी बनी है ना हमारी, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। इसको हम लोगों ने चपाती के लिए बनाया था, तो थोड़ी गाढ़ी ही ग्रेवी रखी है। अगर आप राइस के साथ लेना चाहते हैं, थोड़ा सा थिकन, मतलब थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं इसको, बट गाढ़ी होगी ना तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगे तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।